देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सेना द्वारा डोरू में आयोजित किया गया वाहक मार्गदर्शन कार्यक्रम। 19 कमांडर मेजर सुधांशु के पर्यवेक्षण के तहत राष्ट्रीय राइफल्स एकता कंपनी ने आयोजित किया यह कार्यक्रम। उन्नीस आर आर की तरफ से इन्होंने पीछे हमने कहा था कि हम यहाँ गेम्स ऑर्गेनाइज करेंगे और गेम्स के साथ साथ हमने अवेयरनेस जो कैंप भी ऑर्गेनाइज करवाया। इसमें जो बच्चे फौज में जाना चाहते हैं या एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हैं या और भी कोई एग्ज़ाम रिलेटेड फोर्सेस क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम था और उसके लिए काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे जो एनडीए एस्पिरेंट है उन्होंने भी हिस्सा लिया इसमें और छोटे बच्चों के लिए गेम्स रखी थी इन्होंने स्नो की। तो इस चिल मौसम में बच्चों ने भी अपना लुत्फ़ उठाया और जो बाकी लोग जो यहाँ पे थे उन्होंने भी नॉलेज हासिल की कि किस तरह और कैसे भर्ती हो सकता है और एनडीए कैसे क्वालिफाई होता है वो भी बच्चों को यहाँ पे बताया गया। देखिए दूरियाँ जो होती है दूरियाँ नज़दीक आने से ख़त्म हो जाती है। तो पहले जो आवाम को ये होता था कि आर्मी या सिक्योरिटी पर्सनल को देखते थे वो भागते थे, तो इन चीज़ों से आवाम और जवान की जो दूरी है वो ख़त्म हो जाती है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी एक अच्छा कदम होगा डेवलपमेंट के लिए, प्रॉस्पेरिटी और पीस के लिए।